नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रोड 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। जनपद मैनपुरी में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़। थाना कुरावली पुलिस द्वारा 25,000 का इनामी शातिर अपराधी जनपद मैनपुरी निवासी सलमान पुत्र हजारी मैनपुरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल हुआ। इस पर जनपद मैनपुरी में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। ये जनपद मैनपुरी में 5 मुकदमों में वांछित चल रहा था। थाना कुरावली पुलिस द्वारा नवीन मंडी अंडर बाईपास वाहन चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी सलमान पुत्र हजारी निवासी रीचपुरा डेरा बजारा थाना कुरावली मैनपुरी व थाना कुरावली पर धारा 147, 148, 149, 307 भादवी में 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त, जिस पर लगभग एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, को पुलिस पार्टी द्वारा बाइक को रुकवाने का प्रयास किया तो पकड़े जाने के डर से अभियुक्त सलमान पुत्र हजारी द्वारा तमंचे से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई और भागने लगा। कुरावली पुलिस द्वारा पीछा किया गया तथा पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। बता दें कि अभियुक्त की तलाशी में एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस 315 बोर व 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। खास रिपोर्ट देखिए आम्रली के साथ। अभी अभी थोड़ी देर पहले थाना कुरावली पुलिस की और हमारी एसओजी टीम की एक बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें ये लोग चेकिंग कर रहे थे, इनको सूचना थी बदमाश के आने की, चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो बदमाश फायर करते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर भागने का प्रयास किए हैं। पुलिस बल जो वहाँ पे मौजूद था, उसने भी बड़ा ही हिम्मत का परिचय देते हुए अपने को बचाते हुए क्रॉस फायरिंग की है और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। एक दूसरा बदमाश है जिसकी तलाश अभी भी हमारी पुलिस कर रही है। वहाँ पे आसपास जो नहर के किनारे और जो बबूल के पेड़ है उसमें उसकी तलाशी हो रही है। और ये इस बदमाश के बारे में जानकारी मिली कि इसका नाम सलमान है। ये बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश है। ये बेसिकली पशु चोरी की घटना करता है, गाड़ियों को भी चुराता है, चोरी की गाड़ियों में पशु चोरी और मवेशी चोरी की घटना करता है। 7 से 8 मुकदमों में वांछित चल रहा है। इस पर 25,000 का इनाम पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा घोषित है। इस प्रकार एक बड़ी कार्रवाई मैनपुरी पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और इंस्पेक्टर भवाव ने किया है। सर, मुठभेड़ के दौरान कुछ बरामद हुआ है इसके साथ? इसकी एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। तमंचा मिला है जिससे इसने पुलिस के ऊपर फायर किया था। जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस मिला है मौके पे। बाकी और इसकी तलाशी ले जा रही है और चीज़ें पता की जा रही है।